नाम नबीहा शरीफ है और मैं फाल्कन इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंसेज की स्टूडेंट हूँ। तो जो ये न्यू जो बोर्ड की पॉलिसी आई है फॉर सब्जेक्ट्स के जो हमारे पेपर्स होंगे उनसे मैं मुत्तफिक हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि अगर बोर्ड के पेपर्स हम फॉर सब्जेक्ट्स के देते हैं, कोई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हैं साइंस सब्जेक्ट में वेल होते हैं और कुछ ऐसा होता है कि आर्ट सब्जेक्ट उनको बहुत अच्छे आते होते हैं, तो फिर जो थोड़े नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ DESTV की जानिब से, आज मैं स्टैंडर्ड एजुकेशनल एकेडमी में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स और टीचर हैं। तो हम इनसे इनकी राय जानते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम आजकल पाकिस्तान में सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स का हो रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स अपने राय देंगे। सबसे पहले मैं मेहताब करीमी से पूछना चाहूँगी कि इसके राय के मुताबिक जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर हैं वो कितने, ये जो फैसला जो फेडरल बोर्ड और शफकत महमूद साहब से हमें जो मौसूल हुआ है कि हमारे तीन जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो एक्सक्लूड कर दिए गए। देखिए मिस, हमारे पास बेसिकली छः, मतलब मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, पर्सनली मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे पास छः सब्जेक्ट्स हैं, तीन कंपलसरी है और तीन जो है वो हमारे लिए पढ़ने में थोड़े दुश्वारी, मतलब उसमें महसूस होता है क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा। आल दो में पता है कि वो बेसिक है, केमिस्ट्री मैथ्स, और मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री और मेरा मैथ्स और फिर हमारा वो फिज़िक्स, ये तीन जो सब्जेक्ट्स है ये काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट्स है हमारे लिए, और मुश्किल भी इस हद तक है जब तक हम उन्हें प्रैक्टिस ना करें। अगर उनके लिए टाइम दे दें वो प्रैक्टिस करें तो वो मतलब मुश्किल नहीं है, वो बेसिक चीज़ें हैं। और ये जो बाकी तीन है ये हमारे रोज़मर्रा की मतलब चीज़ें हैं, उर्दू, उर्दू तो हमारा नेशनल लैंग्वेज है और उसके ज़र्रे ज़र्रे से हम वाकिफ है। इंग्लिश, इंग्लिश एक ऐसा मतलब वो भी लैंग्वेज है, हम उसे एज अ सब्जेक्ट नहीं एज अ लैंग्वेज हम उसे पढ़ते हैं। और तीसरा पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान स्टडी हमें मतलब वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, हमें उसका मतलब याद होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम उसका एग्ज़ाम दे दें या ना दे दें, उसका हमें मतलब याद होना बहुत लाजमी होता है। और ये चीज़ें मतलब अभी जो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, हम ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम में ये तीन जो मुश्किल हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें सिर्फ हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, मतलब सिर्फ उसमें पास हो जाएं, बाकी तीन में हम अच्छे स्कोर करके अपना ग्रेड बढ़ाएं। अभी वो तीन एक्सक्लूड कर दिए गए हैं तो हम जो अभी हमारे पास तीन ये जो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ हमारे पास है इनके लिए हम जो टाइम तो दे देंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम पासिंग मार्क्स ले लें तो हमारा ग्रेड 50% से कभी ऊपर नहीं जाएगी और हमें ग्रेड की भी ज़रूरत है। और ये मैं शॉर्टली ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फेडरल का फैसला है ये दुरुस्त नहीं है हमारे लिए। थैंक यू, थैंक यू मेहताब। अब हम आगा से पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं एक्सक्लूड होंगे तो मेरी राय तो ये है कि जो किया उसने सही किया है, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको उन्होंने उसने वो किया है इंक्लूड किया और बाकी एक्सक्लूड। मैं ये नहीं कहता कि बाकी वो तीन भी मेन नहीं है लेकिन मेन है ऐसा, जैसे कि अगर किसी बच्चे ने मेडिकल लिया है उसके बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री है तो उसके जो मेन सब्जेक्ट्स मार्किंग मार्क्स उसमें लाना है, उनको आगे जाके उनके मार्क्स देखे जाएंगे। अगर मेडिकल लेता है तो अगर उसके मेडिकल में 50% नंबर से 90-95 अबव मार्किंग हमेशा उसकी होती है जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो आपने सब्जेक्ट जो रखा है, बस यही टाइम है वो गेन करके आगे जाके कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ये DESTV के मशहूर है जिन्होंने हमें मौका दिया कुछ अपने वो फीलिंग्स यानी कि कुछ इजहार करें अपने दिल में जो है। तो सबसे पहले ये कि जो फैसला आया है वो किसी दोनों तरफ से देखें तो अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरफ से हमारा नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो एक्सक्लूड किया गया है और इंग्लिश जो कि हमेशा एग्ज़ाम में मेरे उसमें सीग्रेट से ऊपर कभी नहीं आया अच्छा हुआ है ये एक्सक्लूड होके। तो बाकी रहा पाक स्टडीज़ और इस्लामियात तो वो तो हमें पढ़ने चाहिए थे लेकिन अभी फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला दिया है तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि उनका फैसला हतमी होता है। अगर बुरा हुआ है तो क्यों हुआ है, अच्छा हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर हम देखें तो एक तरफ से मैं अपनी बात बताता हूँ, हमेशा मेरे इंग्लिश में 33-34 नंबर आते थे, उससे ऊपर कभी नहीं आए हैं, यह इंग्लिश एक्सक्लूड होकर अच्छा हुआ है। पाक स्टडी के जगह हम अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़े तो हमारा अपना फ़ायदा होगा। और उसके बाद बस इतना कहना चाहूँगा मैं, मज़ीद कुछ नहीं।
अब हमारे साथ एक टीचर हैं, हम उन टीचर से उनकी राय लेते हैं कि वो क्या समझती है सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स स्टूडेंट से होने चाहिए या नहीं। यस वालेकुम, थैंक्स मिस शम्स। यहाँ पे जब हमारी राय की बात आती है तो एज अ टीचर हम लोग राय के मुताबिक ये होता है कि हम कभी पॉजिटिव या कभी नेगेटिव अपनी राय देनी होती है। तो जहाँ तक मेरी राय की बात है, एक्सक्लूड जो सब्जेक्ट्स किए गए हैं वो मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि साल भर हमने उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और जहाँ जब पेपर्स की बात आती है तो ये जो है ना एक्सक्लूड करके बच्चों को इस तरह फ्री करना, मैं कभी इस चीज़ की तरफ एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि मैं टीचर्स ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अब एंड पे एट दी एंड अगर हम लोग टीचर्स को इस तरह कहें कि जी आप लोगों के इस सब्जेक्ट के पेपर नहीं हो रहे हैं, तो वो फिर जो है ना इस चीज़ को बुरा मानेंगे। और बाकी सब्जेक्ट वो स्टूडेंट्स की बात आती है तो स्टूडेंट्स कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, वो समझेंगे कि शायद ये जो है ना हमारे लिए लाइट सब्जेक्ट्स हैं और इन पे जो है ना ज़्यादा ये हमारे लिए स्पेशल नहीं है या फिर जो है ना अहम नहीं है, तो इनके ऊपर वो कम वर्किंग करेंगे। तो इस डिसीजन के हवाले से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो अपनी राय दे रहे थे, तो मैं भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ एग्री करूंगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए कोई अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के स्किल्स को, स्टूडेंट के टैलेंट को बहुत लिमिटेड किया जा रहा है। और जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू बच्चे दूसरे सब्जेक्ट्स में उनके ग्रेड, उनके मार्क्स अप होते हैं। इनको हटा के मेरे ख़्याल से बहुत गलत फ़ैसला हुआ है। थैंक यू।